अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम देख लेते हैं कि आप जो इंस्टेंट मैसेजिंग है, यहाँ ये वाली इंस्टेंट मैसेजिंग, इसमें ऑटो रिप्लाई हम कैसे सेट कर सकते हैं कि जब कस्टमर कुछ मैसेज करे और उसको फ़ौरन से ऑटो रिप्लाई मिल जाए। जब आप ऑफलाइन हैं या इवन ऑनलाइन भी हैं तो आप उनको ये मैसेज कर सकते हैं कि हम आपको रिप्लाई बैक सून करते हैं, या कुछ भी जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बस यहाँ आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या पर्सनल एड्रेस, कुछ ऐसी चीज़ शेयर नहीं कर सकते, कुछ एक्सटर्नल लिंक ऐसा शेयर नहीं कर सकते जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें प्राइवेटली कस्टमर के साथ। बाकी आप यहाँ कुछ भी उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिस तरह आप बैंकिंग जो है उनकी, आपने जो चैट होती हैं वहाँ आपने देखा होगा कि आप उन्हें मैसेज करते हैं और आपको फ़ौरन से इंस्टेंट रिप्लाई एक आ जाता है कि आप वेट करें, आपके जो है आपका नंबर क्यू में लगा हुआ है, आपको हम रिप्लाई बैक करेंगे। इस तरह आप ये मैसेज कर सकते हैं कि आप अभी ऑफलाइन हैं या आप जो हैं रिप्लाई नहीं कर सक रहे, और जैसे ऑनलाइन होंगे तो आप उन्हें रिप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ जहाँ आपकी शॉप का नेम आ रहा होता है, यहाँ आप एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे और ये फिफ्थ नंबर पे चैट सेटिंग आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखेंगे जो पॉपअप मैसेज आ रहा है, इसमें भी यही दराज कह रहा है, रहिए कस्टमर से रابطे में, इंस्टेंट मैसेजिंग की मदद से रहिए अपने कस्टमर्स के साथ रابطे में और बढ़ाइए अपनी शॉप की कस्टमर बेस। इससे ये होता है कि आप इंस्टेंट मैसेज आप चेक करते रहें और कस्टमर को कोई क्वेरी है, वो ऑर्डर करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो वो यहाँ वो क्वेरी करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसको रिप्लाई करेंगे तो देन वो उसको बाय कर सकता है, चांसेस हैं कि वो बाय कर ले। उसको जो जो भी मसला आ रहा है या कोई उसे इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही तो वो आपसे पूछ के वो बाय करने की ऑप्शन आप बढ़ जाती है। ये देखें, ये आप यहाँ टाइम सेट कर लेंगे, आपकी शॉप का क्या टाइम है, आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं तो वो आप चेक कर लेंगे, आप किस टाइम ऑनलाइन आ सकते हैं और किस टाइम आप जो है वो ज़्यादा रिप्लाई कर सकते हैं, या वो टाइम टेबल यहाँ सेट कर लेंगे, वर्किंग आवर्स। और देन आप यहाँ यूज़र ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके बिहाफ पे आप किसे, जिस तरह आप असिस्टेंट आप हायर कर लेते हैं जो आपकी शॉप हैंडल कर रहे होते हैं, आप उनको यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये क्विक रिप्लाई, ये देखें यहाँ आप जो क्विक रिप्लाई हैं, ये आप यहाँ ये कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप उनको ये कर सकते हैं कि आप मेरा स्टोर फॉलो कर लें, आपको पूरा वो लिखना नहीं पड़ेगा, आपको हर दफ़ा टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये मैसेज आप उनको चला जाएगा। या आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह आप मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आप उनका रिप्लाई जो है वो ऑटो रिप्लाई में या क्विक रिप्लाई में यहाँ सेट कर सकते हैं, और वो आपको जिस तरह इतने लंबे लंबे मैसेजेस हैं ये आपको लिखने नहीं पड़ेंगे बार बार, आप जस्ट वहाँ ऑप्शन आ रही होगी वहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये जिस तरह चार बॉक्स हैं ये फिल किए हुए, ये चार ऑप्शंस वहाँ शो होंगी तो देन आप जो भी रेलिवेंट रिप्लाई होगा आपके प्रोडक्ट से या जो आपको ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं उस हिसाब से आप सेट कर लें और वो आप एक क्लिक से उनको पूरी लाइन का रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेड के आप बार बार पूरा सेम रिप्लाई करें। ये ऑटो रिप्लाई की ऑप्शन है, ये देखें जिस तरह यहाँ सेट किया है, डियर कस्टमर वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक सून रिगार्डिंग योर क्वेरी, थैंक यू। ये जब कस्टमर कुछ भी क्वेरी करेगा तो ये ऑटो रिप्लाई उसे फ़ौरन से चला जाएगा और उससे समझ आ जाएगी कि अभी जो जो सेलर है वो अभी अवेलेबल नहीं है और उन्होंने मैसेज किया कि वो रिप्लाई बैक कर देंगे जल्दी। अगर आप वेलकम कार्ड भी कोई आप अपना वेलकम कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये दो तरह के हैं, अगर आप मतलब हॉलीडे मोड पे अगर आप हैं, आपकी शॉप है, देन आप कुछ और रिप्लाई करना चाहते हैं कि आपकी शॉप तीन चार दिन के लिए, एक दो दिन के लिए बंद है और किस वजह से बंद है, ये आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। अगर आप आउट ऑफ व्हेन आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब आपने जो वर्किंग आवर्स सेट किए हैं इसके अलावा अगर कस्टमर कोई मैसेज करता है तो देन आपको ये मैसेज चला जाएगा, आप ये भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और अगर आप बिल्कुल ही कुछ भी सेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बस कस्टमर रिप्लाई करे, और उनको कुछ कस्टमर होते हैं वो तंग आते हैं कि ये कैसा बार बार रिप्लाई आ जा रहा है, जो हम कुछ भी क्वेरी कर रहे हैं तो वो ऑटो रिप्लाई में हमें रिप्लाई आ रहा है, अगर आपको लगता है कि कस्टमर आप पे तंग आ रहे हैं तो आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं।
होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको ये मददगार साबित होगी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करने में। मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें और